प्रदेश के अफसरशाही और प्रदेश की राजनीति पर तो देखिए अब ऐसा लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अफसरशाही पर नकेल कसने वाली है, क्योंकि सत्ता संभालते ही प्रदेश अफसरशाही की कार्य संस्कृति के बदला लेने के आदेश, बदलाव इसमें करने के आदेश के बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अफसरशाही पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के इन आदेश के बाद अफसरशाही अब हो सकता है कि अफसरों को जिन स्थानों पर नियुक्तियां हैं उन स्थानों पर अब जमीन और फ्लैट खरीदने की अनुमति नहीं हो। इसको लेकर नियम के तहत 2016 में जो व्यवस्था की गई थी उनमें भी बदलाव किए जा सकते हैं और ये तय माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार में इससे अंकुश लगेगा। इन 50 श्रेणियों के अधिकारियों में मंडला आयुक्त, डीसी, एसपी आदि कई अधिकारी शामिल होंगे। इसको लेकर भी बातचीत करते हैं तो विजयपुरी जी, यही कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि करप्शन पर अंकुश लगेगा, तो क्या माना जाए कि जब ये नोटिफाई कर दिया जाएगा तो करप्शन पे वाकई ही किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा? ये नोटिफाई कर दिया गया है और हिमाचल सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और इन्हें जो कार्मिक विभाग द्वारा सूची में डाल दिया गया है कि जो अफसर जिन जिलों में जहां भी तैनात हैं उसमें 50 अफसरों की ऐसी 50 कैटेगरीज हैं जो जहां जिलों में तैनात हैं वहां पर वो जमीन आदि नहीं खरीद सकते और ना ही वो अपना फ्लैट खरीद पाएंगे। 2016 में एक नियमों में परिवर्तित करते हुए यह अनुमति दी गई थी अफसरशाही को कि वो सरकार की अनुमति के साथ जो जिस जिले में नियुक्त है उस जिले में जमीन खरीद सकते हैं जी। और अब तक वो चल रहा था और अब सरकार ने पिछले आदेशों को बदलते हुए यह कह दिया है कि जिस जिले में वो नियुक्त होंगे उसमें जमीन नहीं खरीदी जाएगी। मैं ये पुनः इस वजह से किया गया है, हमारे हिसाब से सरकार के पास कई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि ऐसा जब अधिकारी जिलों में संपत्ति खरीदते हैं, जमीनें खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में, ऐसा नहीं है कि तमाम अधिकारी, लेकिन कुछ मामलों में भ्रष्टाचार की बू आती है और जब भ्रष्टाचार की बू आती है तो उंगलियां उठती हैं और सरकार नहीं चाहती कि उनके ऊपर उंगलियां उठे। शायद व्यवस्था परिवर्तन का भी एक ये चरण है, मुख्यमंत्री जैसे कह चुके हैं कि वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं तो पुनः भ्रष्टाचार ना हो, इस वजह से ये जो अधिसूचना जारी की गई है। शिकायतें यह थी कि अधिकारी किसी का काम करवाने के बदले उससे जमीन मांग लेते थे और उसे अपने खरीद का शो कर देते थे, ऐसे कुछ मामले या कुछ लोग सामने आए थे। नहीं, ऐसे सामने नहीं आए हैं लेकिन आरोप लगते रहे हैं। सामने ऐसे तथ्य नहीं आए हैं लेकिन आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं जमीनों को जबरन खरीदा गया, कम कीमतों पर खरीदा गया। यहाँ तक कि जैसा एक गांव में यदि एक सड़क बन रही है और वो सड़क अभी बनने के लिए अभी वो योजना ही, उसके लिए बजट भी पास नहीं हुआ, अभी अभी उसकी रूपरेखा ही तैयार हुई है, तो अधिकारियों को उसकी जो है ना वो पता लग जाता था जी। और अधिकारी क्षेत्रों में जहां सड़क बन रही है उसके आसपास बहुत सस्ती मतलब कोड़ियों के भाव जमीन खरीद लेते थे।